इस वीडियो का उद्देश्य ट्रेनिंग के दौरान ध्यान से सुनने के महत्व को समझना है। और विजय, क्या हो रहा है? जो नई वीडियो बनी है उसी को देख रहा हूँ। आज सोनपुर कितने बजे जाना है? सोनपुर आज 3 बजे ना? कल सुगंधा की बात ध्यान से नहीं सुनी शायद। वो मेरा ध्यान इधर उधर चला गया था। तो चलते हैं ना सुगंधा के पास, अभी तो टाइम है जाने में। लो, हम फिर आ गए। आओ आओ बैठो। आज चर्चा मैं शुरू करूंगा। विजय, चर्चा से ज्यादा जरूरी दूसरों की बात सुनना होता है। बहुत पते की बात की सिमी, आज सोनपुर वाला सेशन एक्टिव लिसनिंग यानी सुनने की कला पर ही है। चलो जल्दी से हम सभी एक्टिव लिसनिंग पर एक एक पॉइंट में ये बताते हैं कि ये क्यों जरूरी होता है। ये इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी की बात को ठीक से सुनते हैं तो उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि वो क्या कह रहा है या उसकी जरूरतें क्या हैं। इससे आपका संवाद या बातचीत करने का तरीका बेहतर होता है और आप अपनी बात को सही तरीके से दूसरों के सामने रख पाते हैं। मुझे लगता है कि जब किसी व्यक्ति की बात को आप ध्यान से सुनते हैं तो उस व्यक्ति को आपका साथ महसूस होता है और वो खुलकर अपनी बातों को आपके सामने रखता है, जिससे आपको उसके साथ काम करने में आसानी होती है। बिल्कुल सही कहा आप सबने, और इससे आपसी गलतफहमियां भी कम होती हैं और बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि लोग हमारी बातें सही से सुन रहे हैं या फिर उनकी बातों को हम लोग सही से सुन रहे हैं? इसे पहचानना तो बहुत ही आसान है, कुछ शब्दों के प्रयोग से या फिर किसी के शारीरिक हाव भाव से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा बोलने वाले के साथ हमारा आई कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब किसी की आंखों में देखकर उनकी बातों को सुनते हैं तो वो और गहराई से अपनी बातों को रखते हैं। बिल्कुल सही। जब हमारी बातों को कोई ध्यान से सुनता है या फिर हम उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो चेहरे के हाव भाव या फिर सिर हिलाकर हम अपनी सहमति या असहमति बताते हैं, और ठीक उसी प्रकार कुछ शब्दों का प्रयोग करके जैसे हाँ, ना, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने आदि बोलने से इस बात का पता चलता है कि वो हमारी बातों को सही से सुन और समझ रहे हैं। इसके अलावा शाबाश, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे शब्दों का प्रयोग कर हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, इससे दूसरे प्रतिभागी भी प्रोत्साहित होकर अपनी भागीदारी को बढ़ाएंगे। वैसे भी एक कहावत है ना कि एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। इसका मतलब हम तभी अच्छा बोल सकते हैं जब आराम से धैर्य के साथ दूसरों की बात को सुने। हमें कभी भी बोलने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, जितना बेहतर हम सुनेंगे उतना ही शानदार जवाब दे पाएंगे। कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं अपनी बात कहने में हिचकती हैं, और यदि उन्हें ठीक से सुना ना जाए फिर तो और कुछ नहीं बोलेंगी। ये सही है कि महिलाओं के नजरिए से चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ अक्सर सामने नहीं आ पाती। इसलिए उनकी बातों को और ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही प्रतिभागियों की कही बातों को आप अपने शब्दों में दोहराएं, जिससे उन्हें ये लगे कि आपने उनकी बातों को सही से सुना है। इससे उनमें और आत्मविश्वास आएगा। इसलिए एक ट्रेनिंग के दौरान केवल प्रतिभागियों को नहीं बल्कि हम ट्रेनर को भी उनकी बातों को ठीक से सुनना जरूरी है। लगता है जाने का टाइम हो गया। इसका मतलब तुम ध्यान से हमारी बातें सुन रहे थे। आइए विचार करें, अपनी बात को ठीक तरह से रखने के लिए दूसरों की बात ठीक से सुनना क्यों जरूरी है, और ध्यान से सभी की बात सुनने के क्या फायदे और ना सुनने के क्या नुकसान हो सकते हैं?